हाय गाइस, तो आज मैं आपके सामने एक और रिव्यू लेकर के आ गई हूँ जो कि है मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल, जो कि राइस ब्रांड एंड कोकोनट ऑयल है। बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आपके बाल बहुत डैमेज हो गए हैं, बालों में बेजानपन है, रूखे हैं, ड्राई से हैं, तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आप सब जानते हैं मामा अर्थ की जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं, पैराबन फ्री होते हैं, सिलिकन नहीं होता है, और ये जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये है 399 रुपीज़ का, और ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे रेंज में मिल जाएगा। डिस्काउंट चलते रहते हैं अमेजोन वगैरह पे। तो ये डैमेज हेयर के लिए है, स्पेशली डैमेज हेयर के लिए है। इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। आप किसी भी हेयर टाइप के हैं आपको ये सूट करेगा। इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 150 ml है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से यूज़ करेंगे। अगर आपके बालों में स्प्लिटेंस हो गई है तो ये उसको रिड्यूस करेगा, स्मूथ आपकी रूट को टाइट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और अगर आपके हेयर ब्रेकेज हो रहा है तो ये उसको दूर करेगा। और अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें है सनफ्लावर ऑयल और एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई। विटामिन ई कितना अच्छा होता है हमारी हेयर और स्किन के लिए आप सभी को पता है। इसमें है आंवला एक्स्ट्रैक्ट, आंवला भिंगराज हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, तो आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये है मामा अर्थ का राइस ब्रांड हेयर ऑयल विद कोकोनट ऑयल। तो राइस हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके बालों में डैमेज हो रहे हैं आपके बालों में डैंड्रफ है, या आपके बालों में बहुत इचीनेस रहती है, या फिर आपके बाल बहुत बेजान हो चुके हैं, तो आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करें। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू मामा अर्थ के राइस ब्रांड हेयर ऑयल के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ग्लैम श्वेता पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे और रिव्यूज देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।